श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आपके आशीर्वाद की याचना कर रहे हैं। ये गौशाला चल रही है, मुझे बताया प्रहलाद साहब जी ने लगभग 80 गाय यहाँ पर हैं, इसमें 5-7 ही दूध देती है, बाकी सब बीमार गाय हैं। और अभी कुछ और स्थान के लिए भी आप इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, ऐसी धर्मशाला के लिए भी आपने हमें आदेश दिया है। तो मेरा निवेदन है कि आप दोनों के लिए एक अलग से अलग पत्र बनाकर हमको भेजें, हम उत्तर प्रदेश की सरकार को कहेंगे कि जहाँ तक गौशाला का संबंध है, जो पास में गोचर भूमि है वो अलॉट कर दी जाए, और धर्मशाला के लिए आप 3-4 स्थान हमें लिखकर भेजें कि ये 3-4 स्थान हो सकते हैं प्रायोरिटी पर, उनमें से कोई भी एक स्थान आपको दे दिया जाए, बहुत कम लागत पर दे दिया जाए और उस पर आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। जहाँ तक धर्मशालाओं का संबंध है, गाय पशु नहीं है, तो जो गाय को पशु मानता है वो पशु है, गाय को अमृत प्रदान करती है। लक्ष्मी को भी अगर कोई स्थान नहीं मिला तो उसने कहा मुझे गोबर भी रहने की इजाजत दे दी, तो आप कल्पना कर सकते हैं जिस घर लक्ष्मी की पूजा पूरा देश करता है, पूरा विश्व करता है, वो गाय के गोबर में विराजती। देखो तो राधा कृष्ण गौ सेवा समिति रो ए गोकुल धाम आज 5म वर्ष रे अवतरण करने को जाऊँ। आज आम ये राज्यपाल महोदय गोटे वर्ष आगे गोटे आग्रह थिला कि गोमाता को गर्भवती गोमाता को एक अलग कक्ष रखा जाऊ, प्रेरणा आम एक अलग गृह निर्माण कलु, प्रेग्नेंट गाई को अलग आम रखा, तहारि लोकार्पण आज माननीय गवर्नर साहब को करकमलू है, तांगे एक हल भी हाथ इनग्रेट है, कौ कौ से बहुत गुड़ा कथा कहले, गाय पशु नुहे से आमर ईश्वर आमर माता, तांकु सही स्वरूप आमको नहीं बढ़ार अच्छे। मोर से आगे सांगे जिला प्रशासन को भी अनुरोध करके गले कि ये आमको जो चारार कमी अच्छी आम ये आखपाखे गोचर जमीर किसी जमी आमको आवंटित कले आम से चारार व्यवस्था प्रपर ढंग से कर तो गो सेवे आवृत हो पारा आपण मानम जनसाधारण को गोटे जिनस कहीपर आसतु आम समस्ते मिसिकी गो सेवे निजक निपूरण कर। धन्यवाद।